आज जो पिछले 3.5 साल से पंजाब सरकार, कैप्टन सरकार, सोई हुई सरकार, गुंगी बहरी सरकार है, उसको जगाने के लिए सारे पंजाब में धरने दिए जा रहे हैं हलका वाइज। और आज सेंटर हलका के सारे मेरे काउंसलर साहबान, मंडल प्रधान और सारे कार्यकर्ता ने इकट्ठे होके पंजाब सरकार के विरुद्ध धरना दिया है। और ये जो सोई हुई सरकार है, अन्नी बोली सरकार है, नशा के व्यापारी सरकार है, इनके जितने भी MLA हैं, जितने भी अफसर साहबान हैं, सब नकली दारू में लगे हुए हैं। यहाँ पंजाब में किसी जगह देख लो, घर घर में दारू बिक रही है, घर घर में नशा बिक रहा है। और कैप्टन साहब ने कसम खाई थी कि मैं 4 हफ्ते में नशा खत्म कर दूंगा। कैप्टन साहब, आपने गुटखा साहब को हाथ में लेकर कसम खाई, हमें शर्म आ रही है आपने इतनी बड़ी कसम खा के। और यहाँ पे 150 के करीब जो पंजाब में हमारे मेरे भाई मर चुके हैं, हमें पंजाब, सारे पंजाब में सारा जितना भी आपका अफसर लोबी है कोई काम नहीं कर रही, शराब बकवा रही है। MLA जो हैं वो शराब बकवा रहे हैं, अफसर लोबी शराब बकवा रही है। और हमें इसका विरोध करके सारे पंजाब में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आज सारे पंजाब में 117 विधानसभा में हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिनेश सरपाल, व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। मैं दिनेश सरपाल, अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ पंजाब। आज पंजाब के अंदर 117 की 17 सीटों पे पंजाब सरकार द्वारा जो 117 दलित भाइयों की हत्या शराब, नकली शराब द्वारा, जहरीली शराब द्वारा की गई है, उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए सब जगह पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। मैं 117 की 17 कॉन्स्टिट्यूंसियों पे आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सारी की सारी लीडरशिप हमारी जो है वो सड़कों पे है, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जिनके साथ ये घोर अपराध हुआ है, जिस कैप्टन सरकार ने गुटखा साहब के हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस नशे से मुक्त भारत पंजाब को कर दूंगा, मगर आज सबसे ज्यादा नशा, हर तरह का नशा पंजाब के घर घर तक पहुंच हो रही है, ऐसी नशीली सरकार के विरुद्ध आज प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सब लोगों से अपील करता हूं कि सड़कों पे उतरो, इस सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करो, आवाज दो कि इस सरकार को आज हम उखाड़ फेंकेंगे। भारत माता की जय।